नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी व भारत द्वारा कंडक्ट की गई एयर स्ट्राइक के कारण घबराया हुआ पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस डिफेंस को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान रशिया से पैंटसर S-1 गन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान इसके लिए जल्द ही कुछ आला अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल मास्को भेजेगा, जहां इस सिस्टम के प्राइस व ऑपरेशन संबंधित निगोशिएशन होने की संभावना है। इसी के साथ पाकिस्तान रशिया द्वारा बनाए गए T-90 टैंक 360 की संख्या में खरीदने का भी प्लान है, जो पहले से ही भारतीय सेना की बैकबोन बने हुए हैं। ऐसे में रशिया के लिए एक फ़ायदे का सौदा होने जा रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के पास T-90 टैंक होंगे, वो फ़ायदा सिर्फ रशिया का होगा। दोस्तों, गौरतलब हो तो भारतीय नेवी इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई डिस्ट्रॉयर को ऑपरेट कर रही है। वह इन्हें हवाई हमलों से बचाने के लिए भारतीय सेना ने 10 कमोका का 31 चॉपर को रशिया से खरीदने का निर्णय लिया है। यह हेलीकॉप्टर एयरबोन अर्ली वार्निंग के साथ दुश्मन सबमरीन पर भी नज़र रखने में सक्षम होंगे। इसके लिए भारत सरकार ने 3,500 करोड़ का फंड भी अलॉट कर दिया है। वर्तमान में भारतीय नेवी के पास इस तरीके के 12 हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, लंबे समय से भारत द्वारा की जा रही कोशिशों का फल उसे पिछले दिनों मिला, जब जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को UN काउंसिल ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। हर बार भारत के इन प्रयासों में चाइना वीटो का यूज़ करके अजहर को बचाता आया था, पर इस बार चाइना ने भी भारत का समर्थन किया व मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाल दिया। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी मसूद अजहर पर बैन लगाते हुए उसकी सारी संपत्ति को कब्जे में ले लिया है, साथ ही उसको हथियार रखने पर भी पाबंदी लगा दी है व उसको उसी के शहर में नज़रबंद कर दिया गया है।